कि हिंदू और मुसलमान अगर एक जगह पर एक साल नहीं, दस साल नहीं, ये कभी 1000 साल तक भी एक जगह पर रहे तो इनका मरना जीना अलग है, इनकी बोलचाल अलग है, इनके लिबास के अंदाज अलग है, इनके खाने पीने की चीजें मुख्तलिफ हैं, इनके अकायद नजरियात जुदा हैं, और जिन कामों के अकायद नजरियात इतने डिफरेंट हों वो कभी भी एक मुल्क के अंदर सुकून के साथ रह सकते। आका द्वारा ने अल्लाह से दुआ की, ख्वाहिश की, इल्तिजा की, कलबे अक्दस के जरिया से, कलबे मुबारक के अंदर ये ख्वाहिश की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का किबला तब्दील फरमा के खाने काबा को कर दिया ताकि इस्लाम की बकिया अकवाम से अलग एक आइडेंटिटी और शनाख्त इसके जरिए से कायम हो सके। सहाबा ने उसकी हुजूर इस दिन तो यहूद जो है वो भी रोजा रखा करते हैं तो हम भी इसी दिन रोजा रखें। आगे अदालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगला साल अता किया तो हम 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे और 10 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। और यही दो कौमी नजरिया है। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى وحده لا شريك بپایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے बायस तख्लीक कायनात रहमतल लिल आलमीन शाफ़े रोज़े जज़ा खातमिन नबीयीन हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीला से हम सबको दौलत ईमान अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कमा हक हो हम इस दौलत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज बिहम्दिल्लाह ताला ईसवी कैलेंडर के इतबार से 14 अगस्त है और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आज पाकिस्तान को बने हुए 73 साल जो हैं वो मुकम्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाया और आज के दिन आज से 73 ईयर्स पहले
अल्लाह ने हिंदुस्तान के और बरसीर के मुसलमानों को एक अजीम सल्तनत और एक अजीम मुल्क जो है वो पाकिस्तान की सूरत में अदा करना है। ये आज़ादी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, और अगर इस नेमत की कदर पूछनी हो तो हमारे और आपके सामने आज भी कश्मीर के मुसलमान इस नेमत को 70-72 सालों से उसी तरह तरस रहे हैं जब का पाकिस्तान बना हुआ। इस नेमत की कदर पूछनी हो तो बर्मा के उन मुसलमानों से पूछिए कि जिनने हजार हा लोगों को महज इस बिना पे शहीद कर दिया गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा क्यों पढ़ते। इसकी कदर पूछनी हो तो दौरे हाजिर में फलस्तीन के मुसलमानों से पूछिए कि जिनके नाम को भी मैप से नक्शे से खत्म कर दिया गया और उनके तशख्स को और उनकी आइडेंटिटी को जो है वो तारीख के औराक में गुम कर दिया। पाकिस्तान के मुसलमानों पर अल्लाह तबारक तआला ने ये जो करम फरमाया इसकी क्यामत की दीवारों तक भी हम शुक्र अदा करते रहें तो ये यकीनन बहुत कम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला जब हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया उस वक्त इस सारे इलाके में यानी इंडिया में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी टोटल मजमूई तौर पर जो है वो 7 करोड़ के लगभग। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान के खत्ते में जो है वो 22 करोड़ के लगभग मुसलमान आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क जो है पाकिस्तान इसको हासिल किस बिना पर किया गया, इसका इस सारी जिद्दोजहद क्यों की गई और एक भरपूर स्ट्रगल करके और भरपूर जिद्दोजहद करके ऐसे जिद्दोजहद जो खाली जुबानी कलामी नहीं थी जिसमें लातादाद लोगों ने अपनी जानी कुर्बानियां भी पेश की, हजार हम मुसलमान शहीद हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो लातादाद लोग अपाहज और माजूर हुए, हजारों खवातीन जो हैं उनके शोहर लुटे, वो बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, लोगों ने घर बार लुटाए, जानो माल कुर्बान किए, इज्जत व आबरू कुर्बान कर दी गई। तो एक अजीम जिद्दोजहद के बाद मुसलमानों को ये मुल्क हासिल हुआ और ये चीज साबित हो गई तारीख में हमेशा के लिए कि आज़ादियाँ बगैर कुर्बानी के नसीब नहीं होती। मगर वो कुर्बानी दी क्यों गई, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी रीज़न क्या थी और वो सोच क्या थी जिसने मुसलमानों को इस अजीम कुर्बानी देने के लिए तैयार कर दिया, उसको एक ही लफ्ज़ हम उसका बोलते हैं और वो लफ्ज़ हम बोलते हैं दो कौमी नज़रिया। क्या बोलिए? दो कौमी नज़रिया। फिर बोलिए क्या? दो कौमी नज़रिया, यानी मुसलमान और हिंदू जो तब एक ही मुल्क में आबाद थे, मुसलमानों को ये बात बावर करवाई गई, उन्हें इस चीज़ का शऊर दिया गया कि
कि मुसलमान दुनिया की बकिया कौमों से अलग एक कौम है, इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी शनाख्त है, इनकी एक अपनी पहचान है, इनका जिंदगी गुजारने का एक अपना तरीका है। आज इस दौर में मैं बात कर रहा हूं, इस दौर में अब देखिए कहने को खाली 73 साल हुए, मगर इस दौर में इस बात को करना अब ज्यादा मुश्किल है। क्यों? कि दुनिया को फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर अब एक चीज पर जमा किया जा रहा है, और अकवाम के दरमियान जो नजरियाती फर्क थे उनको अब बयान नहीं किया जाता, बल्कि उनके अपोजिट जो चीजें हैं, यानी सारे मिलके एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, हत्ता के अब ला दीनियत यानी मजहब की पहचान जो है वो भी खत्म करने के लिए पूरी दुनिया के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर होना ऐसे भी कोई नहीं, ये बातें निशीन करें। हमारे पास कुरान और हदीस से शवाहिद इसके मौजूद है, लेकिन चूंकि वो मौजूद है, अभी सारी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में वो नुकसान जो आलम इस्लाम का हो रहा है कि यानी शनाख्त तो वो गुम करेगा, ये बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, आइडेंटिटी शनाख्त वो गुम करेगा जिसकी कोई शनाख्त मौजूद हो। अब बात समझ रहे हैं, जिसकी दुनिया में एक आलम इस्लाम ने सारी दुनिया पर कई 100 साल तक हुकूमत की है, इस्लाम की एक पहचान है। अब जिनकी ऑलरेडी पहचान ही कोई नहीं, उनका नुकसान क्या होगा? भाई लुटेगा तो वो जिसके पास कुछ है। अब बात को समझ रहे हैं, जिसके दामन में है ही कोई चीज नहीं वो लुटेगा कैसे? इस्लाम का एक अपना नजरिया है, इस्लाम की एक अपनी आइडियालॉजी है, इस्लाम के अपने अकायद हैं, नजरियात हैं, आमाल हैं, जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। बच्चे के इस दुनिया में आने से लेकर इस दुनिया में दोबारा जमीन में दफन होने तक इस्लाम जिंदगी के एक एक पहलू पर अपनी रहनुमाई देता है। इस्लाम की एक अपनी पहचान, इस्लाम ना तो दुनिया के किसी कल्चर और सिविलाइजेशन के अंदर मिक्सअप होने के लिए आया, बल्कि यह अपनी तहजीब को दुनिया में मुतारफ करवाने के लिए। दो कौमी नजरिया जो है उसको यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसे उसकी वजाहत की, कैसे उसको बयान फरमाया, आला हजरत हजरत शाह अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसे बयान किया, उनसे पहले हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फिसानी अलैह रहमतुल्लाह ने उसके लिए कैसे खिदमात सर अंजाम दी, ये तारीख का एक रोशन बाब है। और इसके ऊपर हमारे कुछ लेक्चर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं जो हमारी सोशल मीडिया ने आज जो है उनको शेयर नहीं किया। मैं आज सिर्फ सीरत पाक की रोशनी में एक या दो बातें अर्ज करके तो इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लाम में ये जो दो कौमी नजरिए का एक तस्वर पेश किया गया, आइडियालॉजी पेश की गई पाकिस्तान को बनाने के लिए, इस आइडियालॉजी को सीरत पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में इसकी एक या दो बातें सीरत पाक से अर्ज कर दो ताकि आपको वजाहत हो सके। आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद 13 साल तक कम उमेश हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुजम्मा में रहे, और उसके बाद हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लिए। मदीना मुनव्वरा में जो आबादी मजहबी तौर पर ज्यादा मजबूत थी वो हुजूर पाक की आमद से पहले वो यहूदी थे। वो कौन थे? वो यहूदी थे, बनी इसराइल थे। आका
तो जहां जब मगे मदीने तैयबा तशरीफ रहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमाते थे बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके, मस्जिद अक्सर की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते थे, क्योंकि एक तसलसल के साथ पहले अंबिया किराम जो दुनिया में तशरीफ लाते रहे, हुजूर से पहले चंद हजार साल एक बनी इसराइल के अंबिया का वो दौर मुबारक है, वो जो तशरीफ लाते रहे तो वो सारे के सारे अपनी इबादत के लिए अपना चेहरा जो है वो मस्जिद अक्सर कर किया करते थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे। जब आगे तो यहाँ को नमाज का हुक्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अंबिया के उसी तसलसल को कायम रखते हुए हुजूर पाक ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह कर लिया। उलमा की ये तहकीक इस बात को समझिए, 13 साल तो हुजूर पाक रहे मक्का मुसलमान में, उन 13 सालों में नमाज का हुक्म जो है ये पहले दिन से इस्लाम के अंदर मौजूद है। नमाज का हुक्म बेसिकली तौर पर ये पहले दिन से मौजूद है। हाँ, पंचगाना नमाज फर्ज उस वक्त हुई है जब हुजूर पाक मेराज पर तशरीफ ले गए। आका दौलत मक्के मस्जिदों में जब नमाज अदा करते तो उलमा का यही फरमाना है कि तब भी आका दौलत अपना चेहरा अकदस मस्जिद अक्सा की तरफ बैतुल मक़दस की तरफ फरमाते थे, मगर मक्का मस्जिदों में ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरमे काबा में तशरीफ लाते तो खाने काबा की तरफ मुंह करके चेहरे अकदस का क्या खड़े हो जाते, मगर उस रेतनिक में हमेशा खड़े होते थे आप कि काबा मुअज्जमा भी और बैतुल मक़दस भी एक ही सीमत में पड़ता था। सो हुजूर पाक चेहरे अकदस तक भी बैतुल मक़दस की तरफ करते थे, मगर मक्का मस्जिद में ये पॉसिबिलिटी थी कि दोनों किबले एक रेतनिंग में आते थे, एक डायरेक्शन में आते थे, एक सीमत में आ जाते, हुजूर पाक इस तरह खड़े हो जाते। मदीना तैयबा जब आगे आलम तशरीफ लाए तो मदीना तैयबा की लोकेशन की वजह से यहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब जून आगे आलम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले 16 या 17 महीने ये 1.5 साल के करीब कम हो बेश हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सारी नमाजें अदा फरमाई वो सारी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके तो अदा फरमाई। अब जब हुजूर पाक बैतुल मक़दस की तरफ चेहरे मुबारक किया तो खाने काबा की तरफ हुजूर की पुश्त हो जाती थी, चूंकि किबला जो था वो किबला अव्वल वो बैतुल मक़दस था। अब यहूदी जो है उन्होंने बड़ा प्रोपेगंडा शुरू किया, वो कहते थे कि ये कैसे नबी हैं कि बकिया हर काम हमसे अलग करते हैं, इनका एक अपना दीन है, अपना इनका अकीदा है, अपनी इनकी तबलीग है, अपने इनका निजाम है, मगर जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो किबले ते ओसियल मुंह कर नहीं देने जड़ा साडा किबला। अब आपको समझ तो वो ये कहते थे कि भाई किबला के लिए दूसरी तरफ भी मुंह कर लेते हैं, जिस तरफ जो है वो हमारे अंबिया मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे हैं, या जिस तरफ हम मुंह करते हैं, या जिस तरफ हमारी इबादत होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के कलबे अक्दस में ये बड़ा ख्याल था कि अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए तो मेरा किबला तब्दील करके खाने काबा को कर दे। ये बुनियादी तौर पर ये दो कौमी नजरिया की ये सीरत पाक की रोशनी में ये ताबीर है, ये पॉइंट है जिसको आप दो कौमी नजरिया के तौर पर समझें। भाई इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करनी है और बैतुल मक़दस भी अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर किया हुआ किबला है, या किबला था कह दीजिए आप, तो नहीं आप तो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जाया हो जाएगी। अब बैतुल मक़दस भी अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर किया हुआ किबला था, पहले हजारों सैकड़ों अंबिया का वो किबला रहा, आका दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह मुंह करके कई साल नमाजें पढ़ी, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अक्दस में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा किबला जो है वो खाने काबा को मुकर्रर फरमा।
इस ख्वाहिश की बुनियादी एक रीजन और एक वजह और एक सबब जो है जो जाहिर सामने नजर आता है वो ये है कि आकाम सल्लाम मुस्लिम उम्मा के लिए मुसलमानों के लिए अलग शनाख्त और आइडेंटिटी को कायम फरमाना चाहते थे। भाई इसी बात का तो वो भी ताना देते थे यहूद कि किबला एक और हमारा एक, खुदा का तसव्वुर इनका हमारा अलग, रिसालत का तसव्वुर अलग, बकिया सारे तसव्वुरात ये हमसे अलग पेश करते हैं। मकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहूदी तो ये कहते थे कि उज़ैर जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह, आकाए आलम की तबलीग फरमा रहे थे कि जिस रब का मैं ऐलान कर रहा हूं वो ना खुद किसी की औलाद है ना आगे उसकी कोई औलाद है। अकायद में फर्क था, वो कहते थे अकीदा अपना अपना जो है वो बयान करते हैं, नमाज की तरफ हमारे किबला की तरफ मुंह कर लेते हैं। आकाए आलम ने अल्लाह से दुआ की, ख्वाहिश की, इल्तिजा की कलबे अक्दस के जरिया से, कलबे मुबारक के अंदर ये ख्वाहिश कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का किबला तब्दील फरमा के खाने काबा को कर दिया ताकि इस्लाम की बकिया अकवाम से अलग एक आइडेंटिटी और शनाख्त इस के जरिए से कायम हो सके। यही तो कौमी नजरिया है कि इस्लाम एक अपनी पहचान रखता है, इस्लाम एक अपनी आइडेंटिटी रखता है, इस्लाम के अपने उसूल हैं, अपने रस्म और रवाज हैं, अपने अकायद हैं, और उन अकायद की ताबीर करना और उन अकायद को दुरुस्त तरीके पर समझना ये दो कौमी नजरिया की बुनियाद है जिसको तसव्वुर पाकिस्तान के लिए हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश किया और मुसलमानों ने जिद्दोजहद करके इस अजीम मुल्क को हासिल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इबादात में भी जो दीगर मजाहब के लोग थे उनके साथ मुशाबहत को हुजूर नापसंद फरमाते थे और यही दो कौमी नजरिया है। इबादात में दीगर जो अकवाम पहले से अहले किताब अकवाम थी यहूदी और ईसाई, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके साथ मुशाबहत को पसंद नहीं थे फरमाते, जैसा कि हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाने के बाद यह भी देखा कि यहूदी जो हैं वो हर साल 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। किस दिन का रोजा? 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, नफली रोजा शुक्राने के तौर पर, इसलिए कि 10 मुहर्रम वो दिन था जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात अता कर दी थी। जिस दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार बहिफाजत निकले और फिरौन उसी दरिया में गर्क होकर मर गया, वो सदियों से उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए नफली रोजा रखा करते थे 10 मर। आगे आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को 10 मुहर्रम का रोजा रखने की तरकीब बता फरमाई, फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा रखो। सहाबा ने उसके हुजूर इस दिन तो यहूद जो है वो भी रोजा रखा करते हैं तो हम भी किसी दिन रोजा रखें। आगे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगला साल अता किया तो हम 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे और 10 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। और यही दो कौमी नजरिया कि अपनी शनाख्त को कायम रखना, फरमाया यहूद रखते हैं रोजा एक दिन का और फरमाया हम उनकी निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिलसिले नबुव्वत में अजीम तर नबी थे और मैं अल्लाह का आखिरी नबी, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उनकी बनिस्बत यहूद की बनिस्बत ज्यादा हकदार हैं। मगर फरमाया अच्छा अगर वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो हम आइंदा साल 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे और 10 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे।
کیوں؟ کہ عبادت میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو جائے، عبادت میں بھی اہل کتاب کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو جائے، اور یہی بنیاد ہے دو قومی نظریہ کی، یہی وہ چیز ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر ابھارا اور قائم کیا اور ثابت قدمی عطا فرمائی اس بات کے اوپر کہ دیکھیے اب ہمارے ہاں وہ تہذیب آ چکی ہے کہ اب وہ نوجوان ہمارے جو ہمارے بعد کی یہ جنریشن ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں سے تو کئی لوگ اب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کو کہتے ہیں جی کیا یہ اچھا ہوتا، بے شک میں نے مزاق میں باتیں سنی، کیا یہ اچھا ہوتا ہندوستان اور پاکستان الگ نہ ہوتے ہیں۔ یہ اب ہماری جنریشن جو ان کے میڈیا کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے وہ اب اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اور ان کو اس وقت بھول جاتا ہے کہ اب کشمیر تو ابھی تک ان کے اندر ہے 73 سال سے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ 73 سالوں میں، کیا ہوا ہے ہندوستان کے مسلمان کو ہر 1-2 سال کے بعد جب ان کو گلیوں میں جلا بھی دیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے، مساجد بھی شہید کر دی جاتی ہیں، سارا کچھ تو ابھی ہو رہا، لیکن جو میڈیا کو زیادہ فالو کرنے والے لوگ ہیں اب ہماری جنریشن میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بات اب آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ قائد اعظم کو کیوں سمجھ میں نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے دانشوروں کو جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ حضرت علامہ اقبال کو کیوں نہیں سمجھ گئے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو جد و جہد کی، قائد اعظم نے جو سٹرگل فرمائی، جو ان کے ساتھ ہزار ہاں مسلمانوں نے، لاکھ مسلمانوں نے کوشش کی، وہ کوشش اسی بات پر تھی۔ آپ نظریہ پاکستان کو پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے ان کی ساری تقاریر کو پڑھ لیجیے، آپ کو یہ پتہ چلے گا ساری کوشش ہی اس بات کی تھی کہ ہندو اور مسلمان اگر ایک جگہ پر ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، یہ کبھی 1000 سال تک بھی ایک جگہ پر رہیں تو ان کا مرنا جینا الگ ہے، ان کی بول چال الگ ہے، ان کے لباس کے انداز الگ ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں مختلف ہیں، ان کے عقائد و نظریات جدا ہیں، اور جن قوموں کے عقائد و نظریات اتنے ڈیفرنٹ ہوں وہ کبھی بھی ایک ملک کے اندر سکون کے ساتھ رہ سکتے نہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ اسلام اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، اسلام اپنی پہچان رکھتا ہے، اسلام کو کسی اور سویلائزیشن سے کچھ لینے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کسی اور تہذیب سے امپریس ہو جائے، بھائی کیوں؟ مسلمان کسی اور سویلائزیشن کے اندر مکس ہو جائے، بھائی بھر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمان کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جو سندھ میں جائے تو سندھی ہو جائے، پنجاب میں جائے تو پنجابی ہو جائے، مراکش میں جائے تو مروکانر ہو جائے، کینیڈا میں جائے تو کینیڈین ہو جائے، یہ یو ایس اے میں جائے تو امریکن ہو جائے، یہاں پہ آئے تو وہ اسکینڈینیوین ہو جائے، یہ ساری پہچانیں تو ہیں علاقائی۔ اسلام کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی ایک اپنی تھاٹ ہے، اسلام کا ایک اپنا نظریہ ہے، اسلام کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کی خاطر کم و بیش 5 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ قربان ہوئے تحریک پاکستان، تقریباً اس دور میں 1.25 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آئے۔ آج اگر کچھ دانشور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مالی استحکام چاہتے تھے تو میں اسے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مالی استحکام تو ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس انڈیا میں موجود تھا، وہ مالی استحکام وہ جائیدادیں چھوڑتا رہے مال تو جو وہاں پہ رہ گیا تھا، وہ مکانات چھوڑ کے مال ان کا وہاں پر موجود تھا، وہ بزنس چھوڑ کے، جاب چھوڑ کے، سارا کچھ صرف ایک ہی نعرے کے لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ یہ پاکستان ایک نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ مسلمان اپنے دین کے مطابق اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے کہ جن کے خون بہے تو پاکستان بنے، اللہ کریم ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان عظیم سیاستدانوں اور ان عظیم علماء اور اس دور کے عظیم لوگ
जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी कुर्बानियां पेश की, अल्लाह करीम आज उनके दराजात को बरज़ख के अंदर बुलंद फरमाए, उनके क़यामत के दिन को आसान फरमाए। अल्लाह करीम अपने फजल से हमें इस नेमत की कदर करने वाला बनाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।